तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको लेके जाऊंगा एक वॉक थ्रू पे हमारे शिप के, और आप ही देखिएगा कैसा लगता है एक समुद्री जहाज। और ये उतर रहा हूँ सीढ़ियाँ, और चलते रहिए। बहुत लंबा जहाज है, 366 मीटर लंबा, 366 मीटर लंबा है। तो आप लगा लीजिए एक चक्कर पूरा मारेंगे। विड्थ इसकी, जो ब्रेथ है इसकी 51 मीटर्स है। तो आप पूरा चक्कर मार के आपको लग जाएगा 400 400 800 ऑलमोस्ट, ये पूरा ऊपर नीचे अगर आप कहीं चले गए तो एक किलोमीटर का चक्कर हो जाता है एक बारी में। ठीक है जी, तो मज़ा आता है। ये देखिए पूरा अच्छा समंदर, ये हमारा गैंगवे जा रहे हैं अभी आराम आराम से, और वॉक थ्रू है। ये देखिए बढ़िया, क्या हवा है, ये देखिए मस्त हवा चल रही है। जैसे ही धूप में आ जाएंगे और कहीं अंदर जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी, और बस यही है चला है। नॉर्मल रूटीन्स कई होती है शिप की, कुछ ना कुछ होता ही है। तो दिन में लाइक एट सी में भी हमारा 5-6 चक्कर तो आराम से हो ही जाते हैं आगे पीछे के। तो फिजिकल फिटनेस तो काफ़ी करने पड़ती है यहाँ पे। और सब बढ़िया है, देखिए नोटिस वगैरह लगा के रखे हैं। आप लोगों को भी खुशी हो, जैसे आप देखते हैं बीचेस देखते हैं फॉरेन के, खुशी होती है ना दिल में, तो वैसे ही हमें भी खुशी मिलेगी जब आप लोग अच्छा रखेंगे अपना हर एक चीज़ को। जा रहा हूँ अभी ये फ्लैश लाइट डालने, कोई बंदा निकाल लिया था, पता नहीं कौन था भाई, चाहिए होगी उसको तो मांग लेता है ना। तो चल रहे हैं लेके, उधर भी जाके चेक करेंगे आज का काम। तो आज का मेन काम अभी वही था जो मैंने आपको दिखाया, फायरमैन आउटफिट और साथ में सेल्फ कंटेनर ब्रीथिंग एपरेटस। तो चलो आपको एक चक्कर मार के दिखा ही लेता हूँ पीछे से कैसा लगता है। मज़ा आता है धूप है। तो चले जब आया हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हें भी एक नॉन लगवाई लूँ मेरे साथ में। यार आवाज़ क्लियर नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें पता है शिप है यार, घर तो है नहीं है, है ना, और माइक लेके तो चल नहीं सकते हैं क्योंकि काम भी करना है इधर, सब एक ही काम नहीं है व्लॉगिंग करने का। ये तो सिर्फ आपके लिए मैंने सोचा कि दिखा लेता हूँ। ये देखिए ये मूविंग स्टेशन आ गया हाफ, यहाँ से शिप को बंदरगाह में लगाया जाता है। ये अपने आ गया, चलिए इसी बहाने में अपना ये भी देख लेता हूँ, इसको बोलते हैं लाइफ राफ्ट। ये देखिए इसको लॉन्च करने का तरीका, और ये देखिए जहाज के पीछे से क्या व्यू दिखता है, इसे वेक बोलते हैं। ठीक है, और ये चले हैं, चले हैं बढ़िया से। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, काम करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, बस यहाँ पे यही काम हो सकता है, और काम करते रहना है। ये देखिए क्या नज़ारा है, वाह। और केयरफुल है, यहाँ पे प्रोपेलर होता है, गिर गए गलती से पानी के अंदर तो गए तुम, चटनी बन जाएगी इसमें, सोच लो कि मिक्सी में गिर गए हो बड़ी सी। तो है दोस्तों,
जहाज़ का सबसे लास्ट पार्ट है ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा लग रहा है। तो जी एक साइड से आए थे, दूसरी साइड को जा रहे हैं अब यहाँ से, तो फ़ोटो तो अच्छा आया नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए सनलाइट नहीं रही ना, तो यहीं से देख लीजिए, लगे हुए हैं फुल सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ का नज़ारा, वाह जी वाह यार। बहुत मज़ा आता है भाई, मतलब इतना फ्रेश क्लाइमेट आपको कहीं नहीं मिलता यार, अच्छा बहुत लगता है क्योंकि इतनी प्योर एयर क्लाइमेट, कोई मतलब साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। ये साउंड तो चली देते हैं, ये एक टाइम के बाद पता है क्या कान में मधुर लगने लग पड़ती हैं आवाज़ें। तो फिर पता है क्या इंसान का आदत पड़ जाती है। तो ये हमारा जहाज है 15,100 TEU का शिप है ये, ठीक है जी, और अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कैरियर में आता है, जिसको मैंने आपको बताया था कम से कम 4 फुट वॉल फील्ड्स के बराबर है ये। और बस चले हुए हैं, तो काम को ख़त्म कर लेता हूँ, लंच ब्रेक भी हो ही गई है पब्लिक की, सब जा रहे हैं। ये इंजन रूम पे पास आ गए हम, ये इंजन रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये फिर से सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जाके एक बार देख लेता हूँ मैं, तो ये इंजन केसिंग बोलते हैं इसको, देख रहे हैं आप कितना बड़ा है। तो भाई इसमें सब में चढ़ना पड़ता है यार, काम बहुत है इधर कंटेनर कैरियर में, बहुत काम होता है यार, बड़ा जहाज बड़े होते जा रहे हैं, आदमी कम होते जा रहे हैं, ये देख रहे हो। इंजन रूम में लेके चलूँगा, तो ये देख रहे हैं कितनी मंजिल ऊंचा है, ये सब चेक करना पड़ता है, जितने भी आपको कंटेनर दिख रहे हैं ना ये सब आंखों से चेक करने पड़ते हैं भाई, कि इसका लॉक बैठा है कि नहीं बैठा है, सब सही है, लैशिंग किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये अपना फायर कंट्रोल स्टेशन ब्रेवो है मेरा, तो मैं इसमें ज़रा सुबह आया था कुछ करने, तो वो काम कर नहीं पाया क्योंकि ये पंगा पड़ गया था। तो बस ये आ गया जी मेरा फायर कंट्रोल स्टेशन ब्रेवो, ये वॉकी टॉकीज वगैरह सब ठीक हैं, चार्ज हो रहे हैं। ये मेरा कंप्रेसर नया आया है, ये हमारे आगे फिर से वही, ये देखिए बाहर सब रखा मैंने, ये देखो ये टॉर्च भी लेके आया हूँ, इसके अंदर भी कुछ सामान है, उसको भी मेरे को फिल करना है, ये देखो स्पेयर स्पूट डाल के रखा है, बस यही है यार ज़िंदगी। तो चलो दोस्तों, शायद आपको ये सब चीज़ें मज़ा आया होगा थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी मज़ा आया तो जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बरसाते रहिए, ये माउंटेन टू सी बंदे पे भी, दुनिया पे तो आपने बरसाया ही है नहीं? ठीक है जी, काम कर लेते हैं, बाद में और काम भी है वो भी करेंगे, मज़ा है बट अच्छा भी लगता है, सोने कभी कभी नहीं मिलता है, क्या करें। ठीक है जी, धन्यवाद।